हेलो नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। हरियाणा ने एमबीबीएस बीडीएस के थर्ड राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है, तो देख लेते हैं कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होने जा रही है। तो इसमें जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है थर्ड राउंड का, वो 9 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है और उसका जो लास्ट डेट है वो है 13 अक्टूबर 11:59 PM तक। इन्हीं डेट्स में अगर कैंडिडेट अपनी एप्लीकेशन में कोई एडिटिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और साथ में चॉइस फिलिंग भी आपको इन्हीं डेट्स में करनी होगी, और साथ में इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट को एक विलिंगनेस भी देनी है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और जिन्हें भी कोई सीट अलॉट नहीं हुई इन राउंड में, तो उन लोगों को विलिंगनेस देनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड से सीट अलॉट हुई है बट उन्होंने ज्वाइन नहीं की, तो उन कैंडिडेट्स को भी विलिंगनेस सबमिट करना होगा। और वो कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड से अलॉटेड सीट को ज्वाइन किया है और अब वो उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इन सभी कैंडिडेट्स को विलिंगनेस देनी है। इसके लिए डेट सेम है जो मैंने बताई, 9 to 13 अक्टूबर। उसके बाद इस राउंड का जो रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर को आ जाएगा। देन जिन कैंडिडेट्स को इस राउंड में सीट अलॉट होगी उन्हें एक प्रोविजनल ट्यूशन फी पे करनी होगी एडमिशन वेब पोर्टल के थ्रू 15 अक्टूबर to 18 अक्टूबर up to 5 PM। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा PGIMS रोहतक, तो उसके लिए डेट्स है 19 अक्टूबर to 21 अक्टूबर और 9 AM से ये वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जिन भी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा वो लोग अपना एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे 19 अक्टूबर to 23 अक्टूबर। अलॉटेड कॉलेजेस को ज्वाइन करने का जो लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर up to 5 PM। जो कैंडिडेट फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड से रजिस्टर हैं, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें कि राउंड वन या राउंड टू से सीट अलॉट हुई थी, तो उन्हें विलिंगनेस देनी होगी अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं राउंड थ्री में। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड वन राउंड टू से सीट ज्वाइन की है और अगर थर्ड राउंड में उन्हें कोई न्यू कॉलेज अलॉट होता है, तो पहले से जो अलॉटेड सीट है वो कैंसिल मानी जाएगी। तो राउंड थ्री की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसे कैंडिडेट्स को फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। वो सभी कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं राउंड वन और राउंड टू से, और राउंड थ्री में जो फ्रेश रजिस्टर्ड हैं वो भी कैंडिडेट आते हैं, अगर वो राउंड थ्री की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अगर वो स्टेट कोटा सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस आते हैं, तो उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा 10,000 का। लेकिन SC ST BCA BCB EWS और PWBD कैंडिडेट जो हैं हरियाणा स्टेट के, उनको ये अमाउंट उनके लिए ये रहेगी 5,000। और अगर कैंडिडेट स्टेट कोटा सीट और साथ में मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहता है इन प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस जिसमें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, तो उनको 1,00,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है का ऑप्शन है, ये आपको आपके लॉगिन में ही मिलेगा एडमिशन वेब पोर्टल में। अगर किसी भी कैंडिडेट का सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं हो पाता है, तो उसे राउंड थ्री की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अगर इस राउंड में कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है, तो ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो उसके ट्यूशन फी में एडजस्ट हो जाएगी। जो फर्स्ट ईयर का वो ट्यूशन फी पे करेंगे उसमें ये अमाउंट एडजस्ट कर ली जाएंगी। अगर कैंडिडेट्स को कोई सीट अलॉट होती है राउंड थ्री में बट अगर वो उसको ज्वाइन नहीं करते, तो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फॉरफिट हो जाएगी और ऐसे कैंडिडेट्स को आगे के राउंड के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, यानी कि जो स्ट्रे राउंड है उसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वो कैंडिडेट जिन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है राउंड थ्री में, तो उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जब काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। और वो कैंडिडेट जो कि राउंड टू की काउंसलिंग से जिन्होंने सीट ज्वाइन की थी, वो भी राउंड थ्री की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड वन से अलॉटेड सीट को ज्वाइन किया है और वो राउंड टू की काउंसलिंग में अगर वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया और ना ही राउंड वन से अलॉटेड सीट को या ज्वाइंट सीट को से रिज़ाइन नहीं किया, और अगर वो अब राउंड थ्री में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी होगी। और वो कैंडिडेट जिन्हें
सीट अलॉट होती है या जो ज्वाइन कर सीट कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं सीट ऑल इंडिया कोटा से या किसी स्टेट से राउंड थ्री काउंसलिंग से, तो वो फिर स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यही पूरा शेड्यूल था जो कि मैंने आपको बताया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।